राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति माहेश्वरी, और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, आज मैं आपके साथ जो है लड्डू गोपाल की ड्रेस का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो हमने पिकॉक फैदर के अंदर जो है बनाकर कम्प्लीट किया है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से पिकॉक की बॉडी भी है स्टोन वर्क में, और उसके बाद हमने फैदर का वर्क किया है। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनकर आई है, और उसके साथ में बनी है देखिए कान्हा जी की मैचिंग की बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही हैवी पैटर्न के अंदर देखिए ये पगड़ी बनी है। और इस ड्रेस को आप किसी भी साइज़ में बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी ड्रेस है जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस का ये डिज़ाइन पसंद भी आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, आगे और लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि सभी लोग अपने लड्डू गोपाल कान्हा जी के लिए इस तरह की खूबसूरत जो है ड्रेस को बनाकर कंप्लीट कर सके। आप इसको जन्माष्टमी के लिए बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं, या आपके घर में कोई भी स्पेशल ओकेज़न है, फंक्शन है, शादी है, तो आप उसके लिए भी लड्डू गोपाल के लिए अपने हाथों से जो है इस तरह की खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं। और स्मॉल साइज़ में क्या मेजरमेंट रहेगा वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। थोड़ा बहुत जो भी चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगी कि स्मॉल साइज़ में आपको इसको कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। और चैनल को देखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तो जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय पर मिल सके। इस तरह के नए नए डिज़ाइन चैनल पर जो है आते रहते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें लड्डू गोपाल की इस खूबसूरत सी जो है ड्रेस को कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किन किन चीज़ों का जो है यूज़ किया है। सबसे पहले ये बेस ड्रेस का, ये पगड़ी का बेस है और ये ड्रेस का बेस है। और अगर आप अपने लड्डू गोपाल के लिए इस बेस को मंगाना चाहते हैं किसी भी साइज़ में, 0 से लेकर 21 नंबर तक के लड्डू गोपाल के, आपको ये जो है ड्रेस के और पगड़ी के बेस इजीली मिल जाएंगे। जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके मंगा सकते हैं। और ड्रेस को बनाने के लिए मैं जिन जिन चीज़ों का यूज़ करने वाली हूँ वो सब चीज़ें भी आपको स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ पर आप स्क्रीन शॉट शेयर करें, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और घर बैठे ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और आप अपने हाथों से जो है लड्डू गोपाल के लिए इस तरह की खूबसूरत ड्रेसेस जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इनमें क्या क्या यूज़ करा है। एक यूज़ करा है ये पिकॉक का जो है मैंने स्टोन वर्क के अंदर अटैचमेंट, एक यूज़ किया है ये वाला स्टोन, एक यूज़ किया है ये वाला स्टोन, एक स्मॉल साइज़ का स्टोन हम यूज़ करेंगे, और यूज़ करेंगे यहाँ पर पिकॉक फैदर। तो इन सब चीज़ों को जो है यूज़ करके मैंने इस सुंदर सी ड्रेस को बनाकर कंप्लीट किया है। और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, फैदर चाहिए फैदर भी मिल जाएंगे, स्टोन चाहिए स्टोन भी मिल जाएंगे, सिर्फ आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने इसको जो है कैसे बनाकर कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले तो देखिए, हम इसको इस तरह से पिकॉक फैदर को जो है यहाँ पर इस अटैचमेंट में लगा कर कंप्लीट करेंगे। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी अटैचमेंट है ये देखिए ये वाली, इसको मैं इस तरह से उल्टा रखूँगी, और पीछे की तरफ से हम ग्लू लगाएंगे। और इसके अंदर मैंने बहुत खूबसूरत अटैचमेंट भी, पगड़ी की अटैचमेंट भी आपके साथ शेयर करी है। तो ये वो ड्रेस की मैचिंग की ही है एक्चुअली, मैंने आपको बताया भी है वीडियो में कि ड्रेस की वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगी, अटैचमेंट मैंने आपको पहले दिखा दी है। तो सेम चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसकी पगड़ी में भी मैं वो अटैचमेंट लगाऊँगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको लेना है, और करना क्या है ये देखिए, ये जो फैदर है, 4 फैदर मैंने लगाए हैं, तो इस तरह से आपको लगाना है। और इस तरह से देखिए लगाना है कि ये जो है क्लियर बाहर की तरफ नज़र आने चाहिए, तो इस तरह से लगाना है। 2 लगा लिए, फिर एक और लगाएंगे, 3 और 4, तो 4 फैदर जो है मैंने इस अटैचमेंट के अंदर लगाए हैं। अभी ग्लू थोड़ा सा सूखने में टाइम लेगा। तो ये देखिए ये इस तरह से आपको लगाने, ये इसकी उल्टी साइड है, और ये जो है फ्रंट से आपको कुछ इस तरह से देखने में लगेगा। आपको करना क्या है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से ड्रेस के फ्रंट पर, ये देखिए कट वाला साइड हम पीछे की तरफ रखेंगे बांधने के लिए, फ्रंट पर आपको इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले तो इसको पेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे, ग्लू लगाएंगे, और फ्रंट पे इस तरह से यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे सिंपल। और इसको पेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पर हर फैदर को आपको इस तरह से पिक करना है,
ये देखिए थोड़ा थोड़ा हम ग्लू लगाएंगे कॉर्नर पर, नीचे की तरफ लगाएंगे, पूरे फैदर में नहीं लगाना है, इस चीज़ का जो है ध्यान देना। और ये देखिए हमने यहाँ पर भी सिर्फ इस अटैचमेंट में लगाया, फैदर में नहीं लगाया है। तो ये जो आपको खाली स्पेस नज़र आ रहा है ये आपको फिल करना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से लगाना है। मैं आपको रख कर दिखा रही हूँ, इनको सेम आपको ऐसे ही पेस्ट करना है। जो नीचे का बेस है वो हमारा हाइड जो है हमें करना है, विजिबल नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से अरेंज करते हुए फैदर को, क्योंकि ग्लू लगाते जाएं, अभी तो मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, साथ साथ आप ग्लू लगाते जाएं और इसको यहाँ पर फिक्स करते जाएं, तो इससे क्या होगा ये स्पेस आपका भरता जाएगा। और जैसा मैंने कहा ये वाइट वाला पार्ट जो है ये आपका विजिबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको फैदर अरेंज करने हैं, और वो फैदर आपको अरेंज करने हैं यहाँ तक। ये देखिए आपने ड्रेस में देखा ये, मैं इसी तरह से पूरे पार्ट को भरते हुए यहाँ पर इन फैदर को लगाकर इस ड्रेस को कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है हमने पूरे जो है फैदर यहाँ पर अरेंज कर लिए, जैसे कि पिकॉक ने अपने फैदर इस तरह से फैलाए हुए हैं ड्रेस के अंदर, आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही हमने इनको अरेंज किया है। और उसके बाद यहाँ पर हम जो करेंगे वो ये है, उसके यहाँ पर जितना भी हमने फैदर यहाँ पे यूज़ किया है उसके अंदर एक एक स्टोन जो है हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। ये जो ब्लू वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसके जस्ट नीचे से आपको जो है इन स्टोन को यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करना है पूरे फैदर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए पूरे फैदर के अंदर हमने अपना स्टोन वर्क कर लिया है, और इसके बाद यहाँ पर हमने ये वाली जो अटैचमेंट है ये वाली यूज़ करी है। करना क्या है, ग्लू लगाएंगे इस तरह से, और ग्लू लगाने के बाद कॉर्नर्स के ऊपर देखिए इस तरह से आपको अरेंज करना है। मैंने एक बड़े साइज वाली लगाई है, फिर लगाई है स्मॉल साइज का जो मैंने स्टोन यूज़ किया है, दोनों ही फ्लावर पैटर्न में है। बस आपको इस तरह से सीरीज में इसको लगाना है, बाकी आप अपनी पसंद के जो है चॉइस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर स्टोन वर्क कर सकते हैं। मैंने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाला स्टोन यूज़ किया है, जिसके बनने के बाद जो है ड्रेस जिसको हमने लगाया है तो उसके बाद जो है ड्रेस बहुत ही प्यारी निकल कर आई है। तो यहाँ देखिए कॉर्नर्स पर इसी सीरीज़ के अंदर मैं पूरे घेरे में जो है इसको अटैचमेंट को लगा कर कम्प्लीट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर हमने इस तरह से लगा लिया, और ये अभी आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद अंदर की तरफ भी मैंने यहाँ पर फैदर वर्क किया है, जिसकी वजह से ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए इस तरह से जो हमारा ये कमर वाला पार्ट है वहाँ पर आपको इस तरह से फैदर को रखना है, और इस फैदर के ऊपर भी हमने यही वाला जो बड़ा वाला स्टोन लगाया है ड्रेस में, इसको हम इस तरह से अरेंज करते हुए जाएंगे। देखिए एक फैदर और उसके ऊपर ये स्टोन, तो आपका जैसा भी जो है ड्रेस का साइज़ होगा ये उतने ही फैदर और उतने ही जो है आपके स्टोन आएंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई है। तो इस तरह से जो है पूरी ड्रेस के अंदर आपको एक एक फैदर और एक एक स्टोन लगाकर इसको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ड्रेस हमारी जो है बनकर कंप्लीट हो चुकी है। मेरे यहाँ पर जो है ये चार फैदर आए हैं इस तरह से, और चार ये बड़े वाले स्टोन आए हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में हमारी कान्हा जी की लड्डू गोपाल की कितनी खूबसूरत सी जो है ड्रेस पिकॉक फैदर के अंदर बनकर कंप्लीट हो चुकी है। और इसी तरह से हम डेकोरेट करेंगे इनकी सिंपल सी दिखने वाली, देखिए इस पगड़ी को। तो यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से देखिए पिकॉक के अंदर जो हमारे अटैचमेंट है उसमें चार फैदर लगा लिए, जैसे आपको लगाने बताए हैं। करेंगे क्या, सिंपल यहाँ पर पगड़ी के फ्रंट पर से हम इसको स्टार्ट करेंगे लगाना। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ग्लू लगाऊंगी, और यहाँ पर इस तरह से देखिए रखते हुए इस अटैचमेंट को यहाँ पर आपको इस तरह से प्रेस करके इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। और जब ये फ्रंट पर देखिए इस तरह से फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर जो साइड हमारी यहाँ पर आपको खाली स्पेस नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ये वाला स्टोन स्मॉल साइज़ का जो मैंने आपके साथ यहाँ पर ड्रेस में दिखाकर शेयर किया है। और अगर आपकी पगड़ी छोटी है तो यहाँ पर आप छोटे साइज़ का जैसे इस तरह के स्टोन भी लगा सकते हैं रेड कलर के। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा लड्डू गोपाल की ड्रेस के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि अटैचमेंट जो है कितनी आएंगी। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर मैं लगाऊंगी अपनी बड़ी वाली अटैचमेंट, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम ये वाली लगाएंगे। और उसके बाद ये जो हमारा स्पेस खाली नज़र आ रहा है यहाँ पर मैं इस तरह से एक एक स्टोन ये वाला स्मॉल साइज़ का जो है
ये इस तरह से पेस्ट करके इसको कंप्लीट करूंगी। तो देखिए ड्रेस की मैचिंग की हमारी खूबसूरत सी जो है पगड़ी भी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत जो है ड्रेस बनकर आई है। आप इसको इस जन्माष्टमी के लिए भी बना सकते हैं और कोई भी स्पेशल ओकेज़न है आपके घर में तो आप उसके लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जो है कान्हा जी की, लड्डू गोपाल की, जो मैंने आज आपके साथी को फैदर के अंदर ये ड्रेस का डिज़ाइन शेयर किया है और इसकी खूबसूरती देखिए हैवी पैटर्न में ये पगड़ी बनाई है, ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, आगे और लोगों के साथ भी शेयर करना ताकि सभी लोग जो है अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह से खूबसूरत जो है ड्रेसेस डिज़ाइन कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं कोई नया डिज़ाइन लेकर आऊँ, कोई नई वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय पर मिल सके। तो मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक और खूबसूरत जो है डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।